नमस्कार मित्रों स्वागत है आपका अभिमन्यु वाई इसमें मेरा नाम प्रवेश वत्स और मैं भी आपका दोबारा से स्वागत करता हूँ जो मेरी सीरीज चल रही है यूट्यूब पर कंसेप्ट इन पॉलिटी की वेर आई कम विद डिफरेंट टॉपिक्स आर एसेंशियल टू अंडरस्टैंड फॉर अ सिविल सर्विस एस्पायरेंट टू डील द क्वेश्चन इन अ अस्टमेटाइज मैन सो आज मैं एक कंसेप्ट लेकर आया हूँ ड्यूअल वर्सेज सिंगल सिटीजनशिप राइट एक तरीके की नागरिकता दो तरीके की नागरिकता क्या होती है कहाँ पर प्रेवेलेंट है कैसे काम करती है विल डील इट एंड बिफोर आई बेगेन टेलिंग यू समथिंग अबाउट इन दिस कंसेप्ट आई वुड लाइक टू शेयर वन ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सिटीजनशिप नागरिकता होती क्या है राइट सो इन ब्रीफ सिटीजनशिप इज योर आइडेंटिटी विच टेल्स यू दैट फ्रॉम विच लैंड ऑफ दिस वर्ल्ड यू बिलोंग्स आप किस एरिए हो ये आपकी सिटीजनशिप बताती है राइट इट प्रोवाइड्स यू एन आइडेंटिटी देन इट प्रोवाइड यू द डिटेल ऑफ अफेयर ऑफ़ यू विद योर स्टेट आपका अपने देश के साथ कैसा अफेयर है क्या आप एक अच्छे नागरिक हो क्या आप बुरे नागरिक हो क्या आप अपने स्टेट को अपने जो देश है उसको क्रिटिसाइज करते हो या फिर आप उसका गुणगान करते हो राइट right? सो so ये सारी चीज़ें आपकी सिटीजनशिप बताती है देन सिटीजनशिप प्रोवाइड्स यू राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिनके बिहाफ पर आप अपनी जो लाइफ है उसको इंजॉय कर पाते हो राइट right? So this much is in brief about the citizenship, what it is I've mentioned. So now let's move on our con topic. And before, again, I'm telling you that we are targeting the civil service program, the civil service, uh, you know, exam for the year 2023 and 24, in which I'm dealing with the Indian polity module where I teach Indian polity for the prelims as well as for the means perspective and try to provide a systematized education to you so that you clear prelims as well as mains and this module of mine is available in the offline as well as in the online mode so those students who want to join this is a contact number and those who wants to you know get a link so the link is also available in the description box of this video and i am also giving 3 days free trial of my videos so those students who wants to really come and join they may come then salient features of dual citizenship so ड्यल सिटीजनशिप राइट द मीनिंग ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप इज सिंपली इज दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप विच इज गिवन राइट दो तरीके की नागरिकता देते हैं पहला एक तो पूरे देश की नागरिकता मिल गई और एक जहां एरिया में आप रहते हो मान लो कि आप यूपी में रहते हो तो यूपी स्टेट आपको एक अलग से सिटीजनशिप दे रही है और इंडिया की आपको एक अलग से सिटीजनशिप मिल रही है दो इट इज नॉट प्र ऐसा होता नहीं है इंडिया में बट इट हैपन्स इन द कंट्री लाइक यू एस वेर देर आर फिफ्टी स्टेट्स जहां पर पचास राज्य हैं तो एक तो अमेरिका का आदमी अमेरिका का सिटीजन है और दूसरा उस पर्टिकुलर स्टेट का भी है राइट सो इट इज कॉमनली प्रैक्टिस इन द कंट्रीज लाइक यूएसए एंड स्विटरलैंड लाइक इन यूएसए जो हम स्टेट्स होते हैं उनको स्टेट्स बोलते हैं इन द स्विजरलैंड वी कॉल दैनन्स देन इट मीन्स टू टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप वन गिवन बाय द chote जो छोटे छोटे राज्य हैं वो अपनी सिटीजनशिप दे रहे हैं by the central government or the union government, right? एक तो हमारी जो state government है वो हमें दे रही है एक जो हमारी union government है वो हमें दे रही है इसका मेन लिपापस यही है कि दो जो गवर्नमेंट हमें सिटीजनशिप देती हैं अलग अलग तरीके की इन्जॉयमेंट्स हम यूज़ कर सकें स्टेट में रहें तो स्टेट की एक अलग इन्जॉयमेंट और पूरे देश के हैं तो पूरे देश के तो है ही एक सिटीजनशिप जिससे हम इंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ को इट एम्स टू प्रोवाइड इंजॉयमेंट ऑफ राइट्स एट टू डिफरेंट प्लेसिज विच हाइव जस्ट मैंशन टू यू राइट सो दिस मच इज इन ब्रीफ अबाउट ड्यूअल सिटीजनशिप नाउ लेट्स मूव ओन दिंगल सिटीजनशिप बिकॉज दिस कंसेप्ट इज डीलिंग विद कंट्री लाइक इंडिया विच इज़ आर प्राइम कंसर्न बिकॉज वी आर इंडियंस एंड सेकंड वी हैव टू पे फॉर द सिविल सर्विस एग्जाम विच इज कंडक्टेड फॉर द इंडिया आल्सो so it is practiced in most of the countries including India where it is taken from Canada right aisa nahi hai ki khali india mein hi single citizenship hai even the concept of single citizenship in our constitution is taken from the Canada constitution जो हमारे बिहार अमेठी करते हैं उन्होंने different different constitutions पढ़े तो उनको ये चीजें अच्छी लगे कि एक ही सिडेंसिश दे देते हैं because India is a nation in making and we can't afford regional interest to dominate national interest एक सिविलाइज कंट्री है बट इंडिया वॉज नॉट ए सिविलाइज कंट्री इंडिया स्टिल नॉट अट कंट्री इंडिया ने बन रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट right? कोई स्टेट गवर्नमेंट की पावर नहीं है कि वो किसी को सिटीजनशिप दे राइट एंड वाई वो भी देखते सो इट इम्फिसन सिटीजनशिप गिवन बाई द यूनियन गवर्नमेंट जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो हमें एक सिटीजनशिप देती है जो पूरे देश की मानी जाती है देन इट एम्स टू इस्टेब्लिश वन नेस कॉमनैलिटी ब्रदरहुड एक सिटीजनशिप का इंडिया में ये फायदा है कि हम सब एक हैं वी आर नाट टू इंडियंस दो वी बिलोंग्स टू आंध्रा एंड दो वी बिलोंग्स टू डेली दो वी बिलोंग्स टू चंडीगढ़ और दो वी बिलोंग्स टू गोवा स्टिल वी ऑल्सो दैट वी आर इंडियंस सो वनस दैन Commonality, we are all common. We have one common interest, which is to praise our country, which is to believe in this country's development. Then, brotherhood, bhai chara, we are, we are all brothers, right? We always say that we Indians are brothers. So, it maintains all these principles, and the most important is unity and integrity of country. The main principle, because of which we really stress on single citizenship, ज टू प्रमोट यूनिटी एंड इंटैग्रिटी तो यूनिटी का मतलब एकता एंड इंटैग्रिटी संप्रभुता यानी जो हमारे देश की जो टेरिटरी है उसका डिस किसी भी प्रकार ना हो इस वजह से हमें सिंगल सिटीजनशिप दी गई है और दी जाती है और स्ट्रेस की जाती है देन आर्टिकल नाइन ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन कम्पलीटली फॉर्ब ड्यूअल सिटीजनशिप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल नाइन लिखा हुआ इन पार्ट टू जो कहता है कि नहीं भाई दो सिटीजनशिप नहीं एक ही इनफ है राइट

जो एग्जिस्टेंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है टाइम टू टाइम अंडर आर्टिकल थ्री राइट एंड अवॉइड रीजनल पेट्रियोटिज्म टू डोमिनेट नेशनल पेट्रियोटिज्म हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप इस वजह से भी है क्योंकि जो हमारे रीजनल इंटरेस्ट हैं वो इतने सॉलिड हैं इतने ऑर्थोडॉक्स हैं इतने प्रेजोडाइज हैं कि वो हमेशा ऊपर आते रहते हैं राइट एंड दिस सिंगल सिटीजनशिप यू नो सप्रेस दीज रीजनल इंटरेस्ट एंड इन द लास्ट प्रमोट नेशनल पेट्रियोटिज्म इंटरेस्ट राइट जो छोटे छोटे मुद्दे हैं वो दब जाते हैं हमारी सिंगल सिटीजनशिप से और हमारा जो एक मुख्य आयाम है जो कि नेशनल सिटीजनशिप है नेशनल पेट्रियोटिज्म है नेशनलिज्म है वो हमारा हमेशा ऊपर रहता है अपर हैंड पर रहता है और डोमिनेट करता है सो दीज आर द डिफरेंट रीजन बिकॉज ऑफ विच द सिंगल सिटीजनशिप इज गिवन ड्यूअल सिटीजनशिप गिवन वॉट आर इट्स इम्प्लीकेशन वाई स्टेट्स कंट गिव right so all these i've told you so this much is enough uh, to understand about the single citizenship and dual citizenship so thank you so much we'll meet on a different day on a different class thank you